वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. और जेके लक्ष्मी सीमेंट के स्टॉक पर एक बार नजर डाल लेते हैं. कल कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए और नतीजों में अगर रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो 15% की बढ़त हुई है. मुनाफे में भी हल्की बढ़त ही इस बार देखने को मिली है. और नतीजों पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर शैलेंद्र चौकसे जी जुड़ चुके हैं. सर गुड आफ्टरनून. पहले तो आप ये बताइए कि ये क्वार्टर कैसा रहा है आपके लिए और मेन हाइलाइट्स क्या थी और इस बार जो तिमाही गई है कंपनी की उसमें वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की देखने को मिली है. इस तिमाही में हमारे जो वॉल्यूम में हमने 8% का इजाफा देखा है जो कि अगर हम इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें जो कि कल ही गवर्नमेंट ने कोर सेक्टर की फिगर रिलीज की है उसमें आपने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर ने सच नेगेटिव ग्रोथ है 2.3% 2.9% की मतलब कि एक तरह से सीमेंट की कंजम्पशन में गिरावट आई है 3% के लगभग और उसके मुकाबले में हमने कोई 8% की ग्रोथ की है जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. इसी तरह अगर हम प्राइजेस भी देखें तो लगभग हमने इस वर्ष इस तिमाही में पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 8% का इजाफा इसमें भी हुआ है. राइट सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे खास तौर पर एक डिमांड में स्लो डाउन हमने देखा बिकॉज नोटबंदी जैसे कदम उठाए गए, लेकिन क्या आपको लगता है अब आगे जाते हुए नोटबंदी का असर जो है वो कम होता जा रहा है और खास तौर पर जो पॉजिटिव कदम है जैसे कि जीएसटी का आना या फिर अच्छा मॉनसून रहना, इसकी वजह से क्या आपको लगता है डिमांड में एक इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट तो नवंबर से लेके फरवरी तक चला था. उसके बाद मार्च में हमने काफ़ी अच्छी डिमांड ग्रोथ देखी थी, लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि इस तिमाही में इतनी ग्रोथ कम कैसे हो गई है जबकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सरकार ने इनक्रेज किए हैं. लेकिन मेरे ख्याल में जो लोगों की जो अपने घरों का कंस्ट्रक्शन है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को आ रही है पिछले 2-3 वर्षों से लगातार देखने को आ रही है और साथ में जो रियल स्टेट सेक्टर है उसमें काफ़ी गिरावट है. गिरावट क्या है उसमें तो पिछले 3 वर्षों से लगभग कम है. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चौकसी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नतीजों की बारीकियों को भी बताने के लिए. फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिस्ट पॉजिटिव टोन के साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट काम कर रहा है. स्वाति, क्विक टेक आपका जेके लक्ष्मी सीमेंट पर. यस, ओवरऑल व्यू तो फिलहाल साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है. पर्टिकुलर काउंटर 1010-1020 का काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है. जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता तब तक साइडवेज चलते रहेगा. 990 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है. अगर जब तक वो होल्ड है तब तक एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं. जैसे ही 1020-1030 का ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 1100 के अपसाइड टारगेट्स है. सो दोज आर हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन दे कैन होल्ड ऑन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 990 लेवल. स्वाति, वी वर टॉकिंग अबाउट जेके लक्ष्मी सीमेंट. अभी 449 पर चाहिए चल रहा है. आज 4.5 रुपए नीचे है. फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन अभी देखने को मिल रहा है. 1% तक की गिरावट. जेके लक्ष्मी सीमेंट अभी तो फिलहाल 450 के रेंज में है. तो डेफिनेटली अगर ये हम डेली चार्ट्स पे देखें तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 430 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है. जब तक ये होल्ड है तब तक ये हमें एक रैली थोड़ा सा अपसाइड पुल बैक रैली हमें देखने मिलेगी विच माई टेक अ स्टॉक्स टूअर्स टू 460 और लेवल्स. सो एज ऑफ नाउ 430 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो 430 के सपोर्ट से हम एक होल्ड पोजिशन दे देंगे करंट लेवल पे सजेस्ट करेंगे. बट फ्रेश बाइंग आई विल नॉट रिकमेंड अनलेस एंड इट डजंट गिव अ ब्रेकआउट ऑफ 460 ऑन अपर लेवल्स. चलिए आज इतने ही सवाल हम दर्शकों के ले पाएंगे. स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए. वक्त है मिड कैप बाजार को यही समेटने का, लेकिन एफएनओ कॉलर शो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार. नमस्कार.